और गुड आफ्टरनून, और जो भी टाइम हो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, जो भी है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर गुड मॉर्निंग चल रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं एक्चुअली कि आप लोग किस टाइम पर देख रहे हो। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ प्रोडक्टिव डे अहेड, आप जब भी से भी देखो, ठीक है। सो इन आवर लास्ट सेशन वी हैड अ डिस्कशन अबाउट डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना, कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, ये सारा कुछ, है ना। एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि हम लोगों ने करा क्या था। तो डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस, अगर हम लोग डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कैरेक्टर उठाए थे। एक हम लोगों ने उठाया था शेप ऑफ सीड, ऑब्वियसली, ठीक है। एक हम लोगों ने उठाया था क्या, शेप ऑफ सीड, और एक हम लोगों ने उठाया था क्या, कलर ऑफ सीड, ठीक है। शेप ऑफ यू सुना होगा, है ना। तो शेप ऑफ यू दो थे यहाँ पर, एक था हम लोगों के पास राउंड और एक था हम लोगों के पास रिंकल्ड, ठीक है। और अगर हम लोग जैसे कलर ऑफ सीड की बात करें, सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस इन माई बैकग्राउंड, वैसे आई एम नॉट सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ एक्चुअली उसमें, सो सॉरी। सो कलर ऑफ सीड की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी हम लोगों के पास दो कलर थे यार। एक था हम लोगों के पास क्या, एक था हम लोगों के पास येलो, ठीक है, और एक था हम लोगों के पास क्या, ग्रीन, है ना। ये दो ही कलर तो प्रेजेंट थे, और वैसे ना उस टाइम पर, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें, ठीक है। सबसे पहली स्टेप हम लोगों के पास क्या थी, सबसे पहली स्टेप हम लोगों ने सर क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने प्योर बीड्स ली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ली प्योर बीड, प्योर ब्रीड, है ना। प्योर ब्रीड आप लोगों के पास कौन सी थी भैया? एक थी आप लोगों के पास राउंड, एक सेकेंड, राउंड एंड येलो, ठीक है, मतलब जिसमें सीड राउंड थी और येलो कलर की थी। और दूसरी हम लोगों के पास क्या थी, रिंकल्ड ग्रीन, INKLED, रिंकल्ड प्लस ग्रीन, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अपन ने क्या लिया, ये अपन लोगों ने ली प्योर ब्रीड, ठीक है। प्योर ब्रीड लेने के बाद हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में क्या करा, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने करवाया क्या, उन लोगों का क्रॉस, ठीक है। अब जब हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो आप लोगों को क्या मिल गया, आप लोगों को मिल गई F1 जनरेशन, ठीक है। क्रॉस करवाया अपन ने जब किसका, प्योर ब्रीड का, तो हम लोगों को मिल गया क्या, F1 जनरेशन मिल गई। अब F1 जनरेशन मिलेगी, तो F1 जनरेशन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, है ना, हम लोगों ने नहीं, मेंडल भैया ने ऑब्जर्व किया था कि जितनी भी सीड्स थी हम लोगों के पास, जितनी भी सीड्स थी, सारी की सारी जो थी, देवर राउंड एंड येलो, है ना, देवर राउंड, राउंड एंड येलो, ठीक है, LLOW, येलो, है ना, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया यार कि जो डोमिनेंट जीन होगा, जो डोमिनेंट जीन या फिर ट्रेट या फिर कैरेक्टर, आपको जो बोलना हो बोल लो, ठीक है, इट वॉज राउंड, है ना। और मतलब हम लोग ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, शेप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और कलर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो इट वॉज येलो, ठीक है, इट वॉज येलो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो F1 जनरेशन जो मिली, ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने F1 जनरेशन जो मिली, F1 जनरेशन में क्या करवाया अपन ने, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो लिखने का तरीका, F1 में सीड, सॉरी वो लोगे, F1 में हम लोग क्या लेंगे, हमको क्या बोलना चाहिए, पॉलन ग्रेन लोगे, और इसकी पॉलन ग्रेन को इसी में डाल दोगे, है ना। F1 की जो पॉलन ग्रेन थी, उसको F1 में ही डाल दोगे, तो आपको कैसा कुछ दिखने लगेगा, आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा, F1 x F1, है ना। हम लोगों ने क्या करवाया, हम लोगों ने करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप लोगों को क्या मिल गया, आप लोगों को मिल गई F2 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन क्या कैसी होगी, वो हम लोग अभी के सेशन में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है ये बेटा, है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को चाहिए क्या, प्योर ब्रीड, है ना। तो ये हम लोगों ने ले ली प्योर ब्रीड, ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। अभी वापस से बोलूंगा, अगर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं आती, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं आता, तो पहले वो देख कर आओ, उसके बाद यहाँ पर बैठना, नहीं तो टाइम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं होगा। तो अपन ने ली प्योर ब्रीड, है ना। अब प्योर ब्रीड हम लोगों के पास कौन सी थी, एक थी हम लोगों के पास राउंड येलो, और एक थी हम लोगों के पास कैसी भैया, एक थी हम लोगों के पास रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये सर ने क्या लिख दिया यार, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। तो ये तो हम लोगों के पास हो गया फिनोटाइप, चलो अच्छी बात है। अब फिनोटाइप के बाद क्या लिखना चाहिए, फिनोटाइप के बाद क्या लिखना चाहिए, तो फिनोटाइप के बाद लिखना चाहिए हम लोगों को जेनेटिक डिस्क्रिप्शन, है ना।
जिन बच्चों को मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है उनको पता है फिनोटाइप के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए जेनेटिक डिस्क्रिप्शन मतलब जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हम लोग क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझना, राउंड के लिए हम लोग ले रहे हैं क्या, राउंड के लिए हम लोग ले रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, सिंगल नहीं आएगा, दो आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता है फॉर एवरी कैरेक्टर, ठीक है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर आर टू जीन्स, है ना। तो हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर एवरी कैरेक्टर देयर आर टू जीन्स, है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यार एक्चुअली ना फॉर्मेटिंग मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज राउंड, राउंड एंड येलो, ठीक है, और ये हम लोगों के पास हो गई क्या, रिंकल्ड, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो अब मैं यहाँ पर साइड साइड में लिखते जाऊंगा, मुझको स्पेस कम पड़ रही थी पहले। दिस इज दी फिनोटाइप, है ना, दिस इज दी फिनोटाइप, है ना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जेनेटिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जीनोटाइप लिखते हैं। तो जीनोटाइप मेरे पास क्या आएगा भैया, जीनोटाइप मेरे पास इसका जो जीनोटाइप है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आर आर, राउंड के लिए आर आर, है ना, और येलो के लिए हम लोगों के पास क्या है, वाई वाई, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना, राउंड के लिए है आर आर और येलो के लिए है वाई वाई, है ना। दो क्यों लिख रहे हैं, दो क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज देयर आर टू जीन फॉर एवरी कैरेक्टर। तो येलो इज ए कैरेक्टर तो इसके दो जीन हो गए, राउंड इज ए कैरेक्टर तो इसके भी दो जीन हो गए, समझ में आया आपको, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलो रिंकल्ड में बात करते हैं, तो रिंकल्ड में हम लोग सपोज कर लेते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है, रिंकल्ड को स्मॉल आर से लिख दिया उन्होंने, है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल आर से भी कर सकते हो, पाप नहीं पड़ेगा आपको, और अगर आप डब्ल्यू से कर रहे हो तो उसमें भी आपको पाप नहीं पड़ेगा। लर्निंग इज द मोटिव, है ना, आपको चीजें आनी चाहिए, वो आपका मोटिव है, ठीक है। चलो, तो रिंकल्ड को मैं ले रहा हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू से, वाई क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है ना पिक करने में, थोड़ा सा इजी रहता है। आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा इसमें स्मॉल आर से, ठीक है। चलो, रिंकल्ड के लिए मैं ले रहा हूँ क्या, जीजी, जीजी पता है आपको, जीजी, ठीक है, चलो कुछ बच्चों को पता होगा शायद। तो हम लोगों के पास ये हो गया क्या, राउंड के लिए हो गया आर आर, येलो के लिए हो गया वाई वाई, रिंकल्ड के लिए हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू, और ग्रीन के लिए हो गया क्या, जीजी, ठीक है। एक दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो पहली यहाँ पर जो टिप है, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं थोड़ी सी जगह लेके, है ना। हम लोगों के पास टिप क्या है कि राउंड जो है ना, इसके लिए हम लोगों को लिखना है आर आर, ठीक है, आर आर जो है वो सही है, आर जो है वो गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देयर आर टू जीन्स, ठीक है, टू जीन्स फॉर एवरी कैरेक्टर, फॉर एवरी कैरेक्टर, है ना। तो एक तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, एक तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो कुछ भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे, दूसरी चीज मैं भूल गया एक्चुअली, पता अब भी मेरे दिमाग में था, मैं यहाँ लिखने लगा था ना तो मैं भूल गया, ठीक है, एक सेकेंड, चलो ठीक है ना। चलो, यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख लिया जीनोटाइप, ठीक है। अब इसमें से क्या जा सकता है, राउंड राउंड में से क्या जा सकता है, थोड़ा सा सोचो, राउंड राउंड में क्या जा सकता है। तो भैया राउंड राउंड में राउंड ही तो जाएगा, है ना, राउंड राउंड में हम लोगों के पास क्या जाएगा सर, राउंड राउंड में हम लोगों के पास राउंड ही तो जाएगा, और येलो येलो में से क्या जाएगा, तो येलो येलो में से मेरे पास जाएगा येलो, है ना। रिंकल्ड रिंकल्ड में से मेरे पास क्या जाएगा, तो रिंकल्ड रिंकल्ड में से तो मेरे पास रिंकल्ड ही जाएगा, दोनों में से कोई एक ही जा सकता है ना, और ग्रीन ग्रीन में से मेरे पास क्या जाएगा, तो ग्रीन ग्रीन में से मेरे पास ग्रीन ही जा सकता है। अरे थोड़ा सा सोचो, अगर आपके पास 5-5 रुपीस के टू कॉइन है, है ना, 5-5 रुपीस के, वी हैव टू कॉइन, किसी ने भी कॉइन मांगा तो 5 रुपीस दो, है ना। तो अगर आपके पास राउंड राउंड है तो कोई एक ही तो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा कि एक चला गया शेप का और एक चला गया कलर का, ठीक है, यहाँ पर भी चला गया एक शेप का एंड द सेकेंड वन इज ऑफ कलर, है ना, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो हमको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस होता तो हम क्या करते, या तो आप सिर्फ राउंड ले लेते, या तो आप सिर्फ कलर, मतलब या तो आप सिर्फ शेप ले लेते, या तो आप सिर्फ कलर ले लेते, ठीक है, वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो, है ना, ये हम लोगों ने करा। अब यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर आपके पास जब कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉम्बिनेशन के कारण आपके पास जो जो जनरेशन बनेगी, इट विल बी कॉल्ड F1 जनरेशन, है ना। हम लोगों के पास यहाँ पर जो जनरेशन बनी, दिस इज आर F1 जनरेशन। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, है ना, देखो इन सबको कंबाइन करेंगे, जब हम लोग इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या बच्चे क्या क्या लिखते हैं, देखो बच्चा लिखता है आर वाई डब्ल्यू जी, ये गलत है, ये जो चीज है ये चीज गलत है। देखो क्यों,
मैं बता दूंगा वैसे अभी आपको, आपको इसको लिखना है RWYG। देखो ऐसा क्यों, दोनों में क्या डिफरेंस है सर, दोनों तो सेम है सर। आपने तो बताए रहे कि स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सेम होता है, तो सर अब ये क्या मुंह माया में फंसा रहे हो आप, है ना। चलो सुनना, देखो पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं RYWG की, है ना, RYWG, और मेरे पास दूसरा क्या है RWYG, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। चलो सुनना, ये आर जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग, है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग शेप। वाई इज रिप्रेजेंटिंग कलर। क्या एक शेप और कलर वाला जीन जो है वो रिकम्बाइन हो सकते हैं? सोचो, क्या मेरे पास एक शेप और एक कलर वाला जो जीन है, क्या वो दोनों रिकम्बाइन हो सकते हैं? सोचो, नहीं हो सकते ना। मेरे पास यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं रिंकल्ड की बात करूं, रिंकल्ड की बात करूं तो इट इज अगेन अ शेप, इट इज अ शेप, और ग्रीन जो इट इज अगेन अ कलर। तो आपने तो भैया इन दोनों की पेयरिंग करवा दी। आपको तो ऐसा लगना चाहिए, कभी कभी आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप भगवान हो, आपको लगना चाहिए आप भगवान के ऊपर हो, है ना। तो हमको ये चीज, ये जो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीजें गलत क्यों है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, ये मेरे पास राउंड इज अ शेप, रिंकल्ड इज अगेन अ शेप, तो शेप शेप की पेयरिंग करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो, येलो इज अ कलर एंड ग्रीन इज अगेन अ कलर, तो इनकी पेयरिंग करवा सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं, है ना। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर अपन लोग लिख लेते हैं प्रो टिप टू, है ना, प्रो टिप टू, कि हम लोगों के पास हमेशा जीन, सॉरी जीन लिख दिया मैंने, सॉरी, जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, ऑफ सेम कैरेक्टर, या समझ रहे हो ना, सेम कैरेक्टर और ट्रेड विल बी हमको बोलना चाहिए पेयर्ड, ठीक है। ये आप लोगों की हो गई दूसरी टिप। चलो सुनो, अब इनको कंबाइन करा आपने, तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यहां पर बनेगा RWYG, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ F1 जनरेशन, है ना। ये हम लोगों के पास यहाँ पर जो RWYG बना, इट इज दी जेनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये मेरे पास हो गया क्या, इसका जीनोटाइप, ये मेरे पास क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अच्छा, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा, देखो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए। हम लोगों ने प्योर ब्रीड ले ली, एक थे हमारे पास राउंड येलो और एक थे हम लोगों के पास रिंकल्ड ग्रीन, हम लोगों ने प्योर ब्रीड ले ली। फिर हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था, है ना। तो आपने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का क्रॉस करवाया, तो आप लोगों को मिल गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में, अब सुनो, F1 जनरेशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया, है ना। F1 जनरेशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया, मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी सीड्स थी वो सारी की सारी कैसी थी, राउंड एंड येलो। ये मुझको कैसे पता, अरे मुझको नहीं पता, ये किसने बताया, मेंडल ने बताया था, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, है ना, हम लोग लिख लेते हैं कि जो ऑब्जर्व फिनोटाइप है, OBSERVED, ऑब्जर्व फिनोटाइप जो था, ठीक है, ये किसने ऑब्जर्व किया, ये मेंडल ने करा, है ना। मेंडल्स ऑब्जर्व फिनोटाइप जो था, इट वॉज राउंड एंड इट वॉज येलो, ठीक है। ये किसने ऑब्जर्व किया भैया, ये ऑब्जर्व किया मेंडल ने। चलो अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और मुझे बताओ, अगर मेरे पास दो जीन प्रेजेंट हैं, अगर मेरे पास दो जीन प्रेजेंट हैं किसके लिए, शेप के लिए, है ना, कौन से, एक है मेरे पास राउंड और एक है मेरे पास रिंकल्ड, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो सीड है वो राउंड है, उसके बाद भी जो सीड है, यू कहाँ चला जाता है मेरा, उसके बाद भी जो सीड है इट इज राउंड, तो जो डोमिनेंट जीन हुआ वो कौन सा हुआ, अरे जो डोमिनेंट जीन हुआ वो डोमिनेंट जीन कौन सा हुआ, एक बार फिर से सोचो, है ना। हम लोगों को क्या बोला, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने नहीं, मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन का, F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है इट इज राउंड एंड येलो। अब भैया मेरे पास दो शेप जो थे देवर प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना, देवर प्रैक्टिकली पॉसिबल, एक था मेरे पास राउंड और एक था मेरे पास रिंकल्ड, लेकिन उसके बाद भी सारी की सारी जो सीट थी देवर राउंड, है ना, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो डोमिनेंट शेप हुआ, जो डोमिनेंट शेप हुआ वो मेरे पास क्या हुआ, आर हुआ, है ना। तो अपन लोग इसको लिख लेते हैं, देयर फोर आर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, डोमिनेंट जीन, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो हम लोगों के पास हो गया रिसेसिव जीन,
ठीक है। और अगर हम लोग कलर की बात करें, अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर में हम लोगों के पास दो कलर पॉसिबल थे, एक था मेरे पास येलो और एक था मेरे पास ग्रीन, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि सारी की सारी जो सीट्स थी देवर येलो, है ना, जितनी भी सीट्स थी वो सारी की सारी कैसी थी, येलो थी। तो हम लोगों ने बोल दिया क्या, हम लोगों ने बोला कि जो वाई है इट इज अगेन डोमिनेंट जीन, है ना, और जो जी है इट इज रिसेसिव जीन। अब बच्चों के दिमाग में एक क्लैश आया, यहां पर एक डाउट आया कि सर आपने तो बोला था कि डोमिनेंट जीन एक ही होता है, आपने बोला था ना सर कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो तो एक ही होता है, सर यहाँ पे दो डोमिनेंट जीन कैसे हो गए, सर आर भी डोमिनेंट जीन है और वाई जो है वो भी डोमिनेंट जीन है, तो सर ये तो सर चीटिंग हो रही है, तो सरासर चीटिंग हो रही है ना। अरे सरासर चीटिंग नहीं है ये, सुनो, है ना, दिस इज नॉट कंप्लीट बुलशिट, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, देखो हम लोगों के पास हर कैरेक्टर का एक डोमिनेंट जीन होता है, हर कैरेक्टर का। जैसे देखो इन दोनों को देखो, ये सेम कैरेक्टर के दो जीन है, तो दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा और एक जो होगा इट विल बी रिसेसिव, है ना। एंड इन द सेम मैनर, है ना, वी हैव टू डिफरेंट जीन, वी हैव टू डिफरेंट जीन फॉर सम अदर कैरेक्टर, तो उनमें से एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, इन ईच वेराइटी, है ना, इन ईच वेराइटी देयर विल बी वन डोमिनेंट जीन एंड वन रिसेसिव जीन, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं बची प्रो टिप के लिए, आप चाहो तो आप लोग लिख सकते हो साइड में कहीं पर, है ना, दैट इन ईच वेराइटी, है ना, और इन ईच कैरेक्टरिस्टिक, इन ईच कैरेक्टरिस्टिक देयर विल बी वन डोमिनेंट जीन एंड वन रिसेसिव जीन, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास कहां तक पहुंच गया मैं, ये मेरे पास पहुंच गया मैं F1 जनरेशन पर, ठीक है, जहां पर आई हैव ऑब्जर्व दैट द डोमिनेंट जीन इज राउंड, सॉरी वेयर आई हैव ऑब्जर्व दैट द सीड्स वर राउंड एंड येलो, ठीक है। सो आई कंक्लूडेड दैट द डोमिनेंट जीन और द डोमिनेंट ट्रेट और द डोमिनेंट कैरेक्टर वॉज राउंड एंड द डोमिनेंट कलर वॉज येलो, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया, आर इज द डोमिनेंट जीन और यहाँ पर वाई इज द डोमिनेंट जीन, ठीक है। अब हमको क्या करना है सर, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको करवाना पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, और जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो आपको क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन मिल जाएगी। चलो करते हैं, है ना। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा था कि सर छोटा वीडियो बनाएंगे, है ना, तो अब तो वीडियो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वीडियो तो खत्म ही नहीं हो रहा यार, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। इतना भी छोटा नहीं है ना, पोगो के वो नहीं बना रहा हूँ, एपिसोड्स नहीं बना रहा हूँ आपके, छोटा भी के 5-5 मिनट के, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को करना है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। चलो देखते हैं यार इसमें क्या है। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व इज कि जो F1 जनरेशन थी, वो थी कैसी, इट वॉज राउंड एंड येलो, है ना। जो F1 जनरेशन थी इट वॉज राउंड एंड येलो, तो यहां पर लिख लेते हैं ना, ये कैसी थी, इट वॉज राउंड एंड येलो, ठीक है। जो F1 जनरेशन थी इट वॉज राउंड एज वेल एज येलो। तो सबसे पहले हम लोग वही पुरानी प्रोसेस पूरी, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले वील बी राइटिंग दी फीनोटाइप, है ना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग F1 x F1 कर रहे हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिनोटाइप जो है, यहाँ पर भी आपको F1 जनरेशन लेनी है और यहाँ पर भी आपको F1 जनरेशन लेनी है। तो जो फिनोटाइप था ये कैसा था, इट वॉज राउंड येलो एंड इट वॉज ऑल्सो राउंड एंड येलो। चलो जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करें, जेनेटिक डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो इनका जो जीनोटाइप था, किसका, F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन को वापस से देख लो, तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप था इट वॉज RWYG, है ना। द जेनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ F1 जनरेशन वॉज RWYG, चलो इसको लिख लेते हैं। तो जीनोटाइप वॉज RW, है ना, राउंड येलो, क्योंकि ये किसके हैं, ये है शेप के, ठीक है। और कलर के लिए हम लोगों के पास क्या था, इट वॉज YG, यहां पर भी हम लोगों के पास क्या था, RWYG, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा समझो। देखो हम लोगों के पास क्या होगा, अपन लोगों को इनमें से एक एक जीन को आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। अपन को इनमें से एक एक जीन जो है उसको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। और हम लोगों को पेयरिंग करवानी है,
ठीक है, चलो सबसे पहले तो सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि क्या क्या आगे जा सकता है। शेप में से कोई एक आगे जा सकता है, शेप जो है ध्यान से समझना इस पार्ट को, है ना, शेप में से कोई एक ही आगे जाएगा, या तो जा सकता है राउंड, है ना, या तो हम लोगों के पास जा सकता है राउंड, या तो हम लोगों के पास जा सकता है रिंकल्ड, ठीक है, या तो हम लोगों के पास जा सकता है राउंड और या तो हम लोगों के पास जा सकता है रिंकल्ड। अगर हम लोग कलर की बात करें, अगर हम लोग कलर की बात करें तो या तो हम लोगों के पास जा सकता है येलो, या तो हम लोगों के पास जा सकता है क्या, येलो, और या तो फिर हम लोगों के पास क्या जा सकता है, हम लोगों के पास जा सकता है ग्रीन, ठीक है। अब देखो पॉसिबल पेयर्स क्या क्या है, पॉसिबल पेयर्स हम लोगों के पास जो है वो क्या क्या है, थोड़ा सा समझना एक बार, है ना। हम लोगों ने बोला कि भैया हम लोगों के पास हर कैरेक्टर का एक ही जीन आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया, शेप ऑफ सीड, है ना, शेप ऑफ सीड, तो वो हम लोगों के पास हो गया क्या, आर और डब्ल्यू, हम लोगों के पास दो वैरायटी थी, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो राउंड आगे बढ़े या तो रिंकल्ड आगे बढ़े। और अगर हम लोग कलर की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोगों के पास दो वैरायटीज प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन इज येलो एंड द सेकंड वन इज ग्रीन, है ना, तो दोनों में से कोई भी एक जो है इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकते हैं, हम लोगों के पास कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके के बन सकते हैं, थोड़ा सा सोचो। ऐसा हो सकता है कि राउंड जो है वो येलो के साथ जाए, हो सकता है, मतलब कि जब यहां से राउंड जा रहा है तब उस साइड उस टाइम पर यहां से क्या जा रहा है, येलो जा रहा है, ऐसा हो सकता है ना, आपके पास यहां से राउंड जा रहा है तो यहां से क्या जा रहा है, यहां से जा रहा है येलो, या क्या पॉसिबल हो सकता है कि यहां से राउंड जा रहा है तो यहां से क्या जा रहा है, ग्रीन जा रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि आपके पास है आर डब्ल्यू वाई जी, है ना, तो या तो कैसा हो सकता है कि इन दोनों में से क्या चला गया, इन दोनों में से क्या चला गया, इन दोनों में से चला गया आर और इन दोनों में से क्या चला गया, वाई चला गया, है ना, ये लाइन थोड़ी सी लंबी बन गई, इसमें से क्या चला गया, वाई चला गया, या एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन दोनों में से चला गया आर और इन दोनों में से चल गया क्या, ग्रीन, ये पेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे बढ़ती है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करी, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करी थी जब हम लोग हाइट की बात कर रहे थे, अब हम लोग दो कैरेक्टर में आ रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चों को उनकी जो दुनिया है वो धीरे धीरे गोल घूमना चालू हो गई होगी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग रिंकल्ड की बात करें, जब रिंकल्ड आगे बढ़ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, तो रिंकल्ड में भैया, है ना, अगर हम लोग रिंकल्ड की बात करें, अच्छा ये यहाँ पर था, ठीक है, अगर हम लोग रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड जो है वो या तो येलो के साथ आगे जा सकता है ना, या फिर जो रिंकल्ड है वो किसके साथ आगे जा सकता है, इट कैन मूव फॉरवर्ड विथ ग्रीन, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, अपने पास क्या क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, तो एक पॉसिबल मेरे पास, एक पॉसिबल पेयर जो है इट इज आर वाई, एक मेरे पास है आर जी, एक है मेरे पास डब्ल्यू वाई और एक है मेरे पास डब्ल्यू जी। अब पेपर में सर कंफ्यूजन हो गया तो क्या करेंगे, तो देखो एक है हम लोगों के पास शेप और एक है हम लोगों के पास कलर, दोनों का एक एक जीन होना चाहिए आपके पास, शेप का है कलर का है, 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 आपका काम हो गया, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, चलो ठीक है। अरे वो कचरा गाड़ी आ रही है यार, बहुत समस्या है, ठीक है चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे पेयरिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या जा सकता है, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जा सकता है आर वाई, कलर गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, मेरे पास जा सकता है आर वाई, मेरे पास जा सकता है आर जी, मेरे पास जा सकता है डब्ल्यू वाई और मेरे पास जा सकता है डब्ल्यू जी, ठीक है, आर वाई आर जी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी। और बिल्कुल उसी तरीके से देखो ये भी तो आइडेंटिकल है, तो इसमें भी चार चीजें जा सकती है, एक मेरे पास जा सकता है आर वाई, एक मेरे पास जा सकता है आर जी, मैं 2 मिनट पॉज कर लेता हूँ इसको, लोगों को निकल जाने दो, चलिए ठीक है, तो यहां से जा सकता है आर वाई आर जी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी, और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जा सकता है आर वाई आर जी, और यहाँ पर हम लोगों के पास आ गया डब्ल्यू वाई और यहाँ पर हम लोगों के पास चला गया डब्ल्यू जी, ठीक है। अब इनमें क्या करवाना है, इनका रिकॉम्बिनेशन करवाना है, ठीक है, इनमें हम लोगों को क्या करवाना है, रिकॉम्बिनेशन, कैसे करवाएंगे सर, कैसे करवाएंगे सर, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, देखो यहाँ पर क्या जा सकता है, आर वाई जो है वो किसके साथ जा सकता है, आर वाई जा सकता है आर वाई के साथ, या फिर आर वाई जो है वो किसके साथ जा सकता है, वो जा सकता है आर जी के साथ, या फिर आर वाई जो है वो किसके साथ जा सकता है, इट कैन गो विथ डब्ल्यू वाई और इट कैन गो विथ डब्ल्यू जी, ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर हर एक जो पेयर है वो दूसरे साइड के चार पेयर के साथ कंबाइन कर सकता है, समझ रहे हो,
तो हम लोगों के पास टोटल कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, दीज विल बी फोर, यहाँ पर भी बनेंगे चार, यहाँ पर भी बनेंगे फोर, और यहाँ पर भी हम लोग के पास बनेंगे कितने, फोर। तो टोटल हम लोगों के पास बन जाएंगे 16 पेयर्स, है ना। ठीक है चलो करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। कैसे करना है एक बार वापस से बता रहा हूँ, आर वाई इसके साथ जा सकता है, आर वाई इसके साथ जा सकता है, आर वाई इसके साथ जा सकता है, और आर वाई जो है वो इसके साथ भी जा सकता है, किसी के भी साथ जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों के पास ये जो है आर जी जो है वो यहाँ जा सकता है, वो यहाँ जा सकता है, वो यहाँ जा सकता, ओ सॉरी, वो यहाँ जा सकता है या फिर वो यहाँ जा सकता है। ठीक है, वो देखने में जितना टफ लग रहा है वो है उतना ही इजी। ठीक है चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो आर वाई है, अरे यार, तो ये जो मेरे पास आर वाई है, ये जो मेरे पास आर वाई है वो सबसे पहले किसके साथ चला गया, वो चला गया आर वाई के साथ। अभी मैं आपको एक मतलब पूरी वो बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा, एक मैंने आपको स्टैंडर्ड अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, आर वाई जब आर वाई के साथ कंबाइन होगा, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, आर वाई जब आर वाई के साथ कंबाइन होगा तो मेरे पास बनेगा आर आर वाई वाई। ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, है ना, मेरे पास आर वाई नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये किसका है, शेप का, ये किसका है, कलर का, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर जो रिजल्टेंट सेल बनेगा, है ना, ये हम लोगों को बोलना चाहिए, जो जनरेशन बनेगी उसका जेनेटिक डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा आर आर वाई वाई। कब, जब ये दोनों ने कंबाइन किया, अब ये जो है ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, तो मेरे पास क्या बनेगा भैया, आर आर वाई जी। ठीक है देखो, इन दोनों में शेप के लिए क्या था, राउंड था, और कलर के लिए क्या था, वाई और जी, तो ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है आगे चलो देखते हैं, तो ये है मेरे पास आर डब्ल्यू वाई वाई, दिस इज आर डब्ल्यू, सॉरी आर डब्ल्यू वाई वाई। ठीक है देखो, राउंड और रिंकल्ड साथ में हो गए, और येलो ये दोनों कैसे हो गए, साथ में हो गए। ठीक है लास्ट देखते हैं, तो दिस विल बी आर, इन दोनों को देखेंगे तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा आर डब्ल्यू वाई वाई जी। ये हम लोगों ने किसका करा, फर्स्ट का करा। जब आप सेकंड का करोगे तो सेकंड पहले इसके साथ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, तो इट विल बी आर आर वाई जी, या जी वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो आपके पास क्या बनेगा, दिस विल बी आर आर वाई जी। चलो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर मेरे पास बनेगा आर आर जी जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मेरे पास बनेगा आर डब्ल्यू वाई जी, है ना, आर डब्ल्यू वाई जी, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मेरे पास बन जाएगा आर डब्ल्यू जी जी, है ना, तो दिस विल बी आर डब्ल्यू जी जी। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसको पीछे कर लेना, वैसे बहुत इजी है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों से बन जाएगा। ठीक है चलो तीसरा करते हैं इसका, तो यहां पर मेरे पास बनेगा डब्ल्यू आर वाई वाई, है ना, तो दिस इज डब्ल्यू आर वाई वाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो दिस विल बी डब्ल्यू आर वाई जी, डब्ल्यू आर वाई जी, इन दोनों का करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू वाई, है ना, तो डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई, और लास्ट में इन दोनों का करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी, है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी। लास्ट बचा इनका, इसका चारों के साथ करना है, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा डब्ल्यू जी आर वाई, है ना, तो दिस इज डब्ल्यू, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख लेता हूँ, डब्ल्यू जी आर वाई, है ना। ठीक है फिर मेरे पास ये हो जाएगा डब्ल्यू जी आर जी, है ना, तो डब्ल्यू आर जी जी, फिर ये तीनों, सॉरी ये दोनों, तो ये हो जाएगा मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी, तो दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी, और फिर ये दोनों मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी, डब्ल्यू डब्ल्यू जी जी। अब सुनो, है ना, हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास क्या था, ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास जो डोमिनेंट जीन थे, है ना, हम लोगों के पास जो डोमिनेंट जीन थे वो कौन से थे, डोमिनेंट जीन जो थे, एक था मेरे पास क्या, राउंड जो डोमिनेंट था रिंकल्ड के कंपैरिजन में, एंड द सेकेंड वन वॉज येलो विच वॉज डोमिनेंट वेन कंपेयर टू दी ग्रीन, है ना। ठीक है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, चलो डोमिनेंट शेप कौन सा है, ये हम लोगों ने क्या लिख लिए, ये येलो वाले हम लोगों के पास जो है, ये सारे के सारे जो येलो वाले हैं ये हम लोगों ने क्या लिख लिए, ये हम लोगों ने लिख लिए जीनोटाइप, है ना, जो येलो वाले हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, जीनोटाइप। इनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं,
तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा होगा भैया? राउंड राउंड, है ना, राउंड राउंड। तो जो शेप होगा वो कैसा होगा? राउंड। येलो येलो, तो जो कलर होगा इट विल बी येलो। यहां पर देखो आर आर में हो जाएगा आर, है ना, और वाई जी। अब येलो और ग्रीन दोनों कलर है, येलो और ग्रीन दोनों कलर है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है? येलो और ग्रीन अगर दोनों हैं तो डोमिनेंट हम लोगों के पास कौन सा है? येलो है। तो जो सीड होगी इट विल बी येलो इन कलर। एक बार वापस से देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास है, इससे अच्छा एग्जाम्पल लूंगा मैं, है ना, मेरे पास है जैसे आर डब्ल्यू वाई जी, है ना। देखो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये जो है देखने में कैसा रहेगा? तो सबसे पहले तो शेप देखो, सबसे पहले वी नीड टू ऑब्जर्व द शेप, है ना। अब शेप मेरे पास क्या क्या है? राउंड एंड येलो डोमिनेंट, सॉरी राउंड एंड रिंकल्ड, है ना। डोमिनेंट शेप जो है इट इज राउंड, तो ये वाला डोमिनेट करेगा, तो ये मेरे पास रहेगा राउंड। येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, है ना, तो यहाँ पर मेरे पास जो डोमिनेंट कलर है इट इज येलो, तो ये मेरे पास रह जाएगा येलो। एक और पार्टी आ गई वापस से, यार इतने नाटक हो रहे हैं आज, ठीक है चलो इसको करते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा येलो, है ना। चलो राउंड एंड रिंकल्ड में राउंड डोमिनेटिंग है और कलर में एक ही है वाई। राउंड रिंकल्ड, तो डोमिनेटिंग इज राउंड और जो रिसेसिव है इट इज येलो, है ना। चलो पहली रो बन गई। चलो आर आर में हो जाएगा आर, वाई जी में हम लोगों के पास हो जाएगा वाई, आर आर में हो जाएगा हम लोगों के पास आर, ग्रीन ग्रीन में एक ही ऑप्शन है ग्रीन, आर डब्ल्यू में हो जाएगा आर, वाई जी में हम लोगों के पास हो जाएगा क्या? वाई। आर डब्ल्यू में हो जाएगा आर और ग्रीन ग्रीन में हम लोगों के पास ग्रीन ही रहेगा। चलो राउंड रिंकल्ड में या रिंकल्ड राउंड में हम लोगों के पास क्या रहेगा? आर और ये रहेगा येलो। रिंकल्ड और राउंड में हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? रिंकल्ड और राउंड में हम लोगों के पास हो जाएगा राउंड, और येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन में हम लोगों के पास क्या रहेगा? येलो। रिंकल्ड रिंकल्ड में हो जाएगा क्या? रिंकल्ड, क्योंकि राउंड तो है ही नहीं ना, और येलो येलो में हम लोगों के पास क्या रहेगा? येलो, ठीक है। रिंकल्ड रिंकल्ड में रहेगा रिंकल्ड, और येलो ग्रीन में हम लोगों के पास क्या रहेगा? येलो, और ग्रीन में हम लोगों के पास रहेगा येलो। रिंकल्ड और ओ, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो ये वाला मैंने गलत लिख दिया, डब्ल्यू जी आर वाई लिख दिया ना, ये मैंने गलत कर दिया ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हम लोगों के पास होना चाहिए आर डब्ल्यू वाई जी, है ना बेटा, ठीक है। तो आर डब्ल्यू वाई जी में हम लोगों के पास शेप जो रहेगा इट विल बी राउंड, और येलो ग्रीन में हम लोगों के पास क्या रहेगा? येलो। डब्ल्यू राउंड, अगेन ये रहेगा राउंड और ये रहेगा ग्रीन। डब्ल्यू डब्ल्यू मेरे पास क्या बन गया? डब्ल्यू डब्ल्यू मेरे पास बन गया रिंकल्ड, और येलो और ग्रीन में मेरे पास बन गया येलो, और ये मेरे पास बन गया रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। एक एग्जाम्पल वापस से समझा रहा हूँ, जैसे मेरे पास है डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी, है ना, जैसे अपने पास है क्या? डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जी। चलो सोचो अब शेप मेरे पास दो है, पहला भी रिंकल्ड है दूसरा भी रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड ही रहेगा ना, जो सीड रहेगी इट विल बी रिंकल्ड। येलो और ग्रीन, है ना, वी हैव टू वेराइटीज ऑफ कलर्स, द फर्स्ट वन इज येलो एंड द अदर वन इज द ग्रीन, है ना। तो थोड़ा सा सोचो येलो और ग्रीन में से कौन सा डोमिनेंट है? येलो डोमिनेंट है ना, येलो जो है इट इज डोमिनेंट, तो हम लोग जो शेप लिखेंगे वो कौन, सॉरी कलर लिखेंगे इट विल बी येलो। तो ये जो सीड रहेगी इट विल बी रिंकल्ड एंड इट विल बी येलो, समझ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोगों के पास ये सारी की सारी जो थी, ये पूरा का पूरा अपन लोगों ने जो लिखा हुआ है, इट इज दी एफ टू जनरेशन, इट इज दी एफ टू जनरेशन, है ना, ये हम लोगों के पास पूरी की पूरी क्या है? एफ टू जनरेशन। अब एफ टू जनरेशन में वॉट वी नीड टू डू, एफ टू जनरेशन जो है इसमें हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? तो एफ टू जनरेशन में हम लोगों को जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो लिखने की जरूरत है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम लोगों के पास एफ टू में जो फिनोटाइप थे वो कितने टाइप के थे, जो फिनोटाइप थे वो कैसे कैसे थे। देखो एक सीड है मेरे पास राउंड येलो, एक सीड मेरे पास कैसी है? एक है मेरे पास राउंड, इसको सीधा लिखते हैं राउंड येलो, ठीक है। एक सीड है फिर मेरे पास, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। एक है फिर मेरे पास राउंड ग्रीन, ठीक है, दिस इज दी आर जी। चलो आगे देखते हैं, फिर राउंड येलो लिख चुका हूँ, राउंड ग्रीन लिख चुका हूँ, राउंड येलो लिख चुका हूँ, राउंड येलो लिख चुका हूँ, रिंकल्ड येलो, नई वेराइटी रिंकल्ड येलो, है ना, दिस इज दी रिंकल्ड येलो, ठीक है, ये देखो दिस इज दी रिंकल्ड येलो। फिर रिंकल्ड येलो लिख चुका हूँ, राउंड येलो, राउंड ग्रीन लिख चुका हूँ, रिंकल्ड येलो भी लिख चुका हूँ, और रिंकल्ड ग्रीन, ये मेरे पास आ गई फोर्थ वेराइटी रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। चलो इनका रेशियो लिखेंगे, है ना, फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, तो रेशियो मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ पर लिख देते हैं एफ टू में फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो ये मेरे पास रहेगा क्या? चलो राउंड येलो गिनते हैं कितनी है, तो दिस इज वन, है ना, ये हम लोगों के पास हो गया। यहाँ पर देखते हैं इसको, दिस इज वन, दिस इज टू,
दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, फिर ये राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है, ठीक है, राउंड येलो सिक्स, राउंड येलो सेवन, राउंड येलो एट, रिंकल्ड येलो राउंड येलो नाइन, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है भैया, ये मेरे पास है नाइन, ठीक है, दिस वन इज नाइन। राउंड ग्रीन गिनते, राउंड ग्रीन नहीं है, राउंड ग्रीन नहीं है, राउंड ग्रीन नहीं है, आर जी, ये रहा आर जी, है ना, ये हो गया वन, ये हो गया टू, और फिर ये मेरे पास हो गया थ्री, ठीक है, तो दिस इज थ्री। सीधे सीधे गिनना है अपन को। फिर आची फिर अपन को चाहिए क्या, रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो हम लोगों के पास कहाँ पर है भैया, शेप देखो, रिंकल्ड 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 येलो, ये रहा वन, रिंकल्ड येलो ये रहा टू, और फिर रिंकल्ड येलो रहा हम लोगों के पास थ्री, ठीक है, ये रिंकल्ड ग्रीन है बेटा, ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया वन टू थ्री। तो रिंकल्ड येलो हम लोगों के पास कितना है, थ्री, और रिंकल्ड ग्रीन तो सामने दिख रहा है कितना है, एक है। अरे थोड़ा सा सोचो ना, टोटल कितने होंगे, 16 होंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, है ना, तो फोर फोर द 16 होता है, 16 में से नाइन थ्री ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन ऑलरेडी हो गया, तो ये कितना बचा होगा, वन बचा होगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, किसमें, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, ठीक है। आप डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जो जीनोटाइप रेशियो है, जो जीनोटाइप रेशियो है, आप इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है, द जीनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो बस ये हम लोग इस लेक्चर में इतना ही डिस्कशन करने वाले थे। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा ना, अगर आपको जैसे इस तरीके की पेयरिंग अगर आपको टफ लग रही है, तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक मिनट बस हो गया। देखो मेरे पास जो वेराइटीज हैं, है ना, एफ वन जनरेशन का जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, एफ वन क्रॉस एफ वन, तो मेरे पास क्या है, आर वाई आर जी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी, यहाँ पर भी मेरे पास ये है आर वाई आर जी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जी, है ना, इसको पनीट स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, बेकार का कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे फालतू में कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। चलो सुनना, करने का तरीका क्या होता है, देखो एक स्क्वायर बनाओ, है ना, यहाँ पर कितनी वेराइटीज हैं, चार हैं, यहाँ पर आपके पास कितनी वेराइटीज हैं, चार हैं, और यहाँ पर भी आपके पास कितनी वेराइटीज हैं, चार वेराइटीज, है ना, तो एक स्क्वायर बना लो सबसे पहले, तो मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, अभी फालतू के काम है सारे, है ना, ये अपन ने क्या कर लिया, अपन लोगों ने एक स्क्वायर बना लिया। चलो देखो यहां बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास होनी चाहिए चार रोज और चार कॉलम, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री फोर, अरे यार सॉरी, है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, चलो जान दो क्या जरूरत है, और ऐसे में भी फोर होना चाहिए, वन टू थ्री फोर, है ना। चलो देखो अब हम लोगों के पास क्या, देखो फोर फोर क्यों बनाया, क्योंकि ये भी फोर है और ये भी फोर है, अगर यहां पर मेरे पास होता फोर थ्री, तो मैं एक साइड बनाता फोर और एक साइड बनाता थ्री, है ना, वो फिर आपके ऊपर है। चलो देखो मेरे पास चार वैरायटी क्या क्या है, मेरे पास जो चार वैरायटी हैं, ये चार वैरायटी, वो मेरे पास क्या है, एक है मेरे पास, सॉरी गड़बड़ कर दिया, एक है मेरे पास आर वाई, ये मैंने लिख लिया आर वाई, दूसरी मेरे पास है आर जी, ये मैंने लिख लिया आर जी, तीसरा मेरे पास है डब्ल्यू वाई, ये अपन लोगों ने लिख लिया डब्ल्यू वाई, एंड द फोर्थ वन इज डब्ल्यू जी, ये अपन ने लिख लिया डब्ल्यू जी। चलो यहाँ पर मेरे पास फोर वैरायटीज कौन सी है, एक है मेरे पास आर वाई, तो दिस इज आर वाई, दूसरी आर जी, दिस इज आर जी, फिर है मेरे पास डब्ल्यू वाई, दिस इज डब्ल्यू वाई, एंड द फोर्थ वन इज डब्ल्यू जी, ये मेरे पास हो गया डब्ल्यू जी। अब करना कैसे, ये वाले बॉक्स को देखो, यहाँ पर क्या है, ये वाले बॉक्स को देखो, यहाँ पर क्या है आर वाई, और यहाँ पर क्या है आर वाई, ठीक है। इस वाले बॉक्स को अगर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा आर जी, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा आर जी। अगर आपको ये वाले बॉक्स को फिल करना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा डब्ल्यू वाई, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा आर जी, है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास सेम वही रिजल्ट निकलेगा, पूरा का पूरा आपके पास जो रिजल्ट होगा इट विल बी द सेम, बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जैसे मुझको ये वाला फिल करना है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा डब्ल्यू वाई, और यहाँ से मेरे पास आएगा डब्ल्यू वाई, आपको इनको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, है ना। चलो अगर मुझको जैसे ये वाला भरना होगा, अगर मुझको ये वाला भरना होगा, तो आपको पास आपके पास यहाँ पर क्या आएगा आर जी, और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा डब्ल्यू वाई, है ना। ये भी इसमें भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा काम, आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट वाज द जीनोटाइप रेशियो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो कंसीडर, नहीं कुछ कंसीडर मत करो, ठीक है, लगा हो तो अच्छी बात है,
बाय।